7237. जी हाँ 7237, 7237। शिव के नंदी जैसा रूप, जबरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर और CCBF सूरतगढ़ को इस मुकाम तक लाने वाला एकमात्र नंदी है ये। इसने क्या किया, इसके क्या गुण हैं, वो आपके सामने हैं। CCBF सूरतगढ़ आज जिस मुकाम पर है उसके लिए इस नंदी को नमन है, वंदन है। 7237 थार पारकर के सबसे प्रसिद्ध नंदियों में से एक है। 7237 के जो रिजल्ट है आज सूरतगढ़ CCBF में, जो दूध की लाइन बनी है और जो जबरदस्त दूध की गाय है, और पूरे भारतवर्ष में और विश्व में जिस तरह से थार पारकर का नाम आते ही सबसे पहले CCBF सूरतगढ़ को याद करते हैं, तो उसका एकमात्र कारण CCBF का ये शानदार नंदी 7237 ही है। 7237 जैसे नंदी ही आपके फार्म का, आपके स्थान का रूप बदल सकते हैं। एक नंदी क्या है, वो नंदी क्या कर सकता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 7237। ऐसे नंदी की ज़रूरत आज सभी जगह है। 7237 के अलावा जो दूसरा नंदी CCBF में उपयोग में लिया जा रहा है वो आपके सामने है, जो उसके बाद की जनरेशन के लिए यहाँ उपयोग में लिया जा रहा है। एक नंदी आपके फार्म को, आपके स्थान को एक सुंदर रूप दे सकता है, आने वाली पीढ़ियों को संवार सकता है। जो नंदी के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, अच्छे नंदी के चयन के लिए हजारों किलोमीटर चलते थे, उसका आशय यही था कि उससे आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेगी। आजकल लोग नंदी का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी विडंबना हमने भुगती है। पिछले कई वर्षों में हमारे देशी नस्ल का हाश हुआ है। आपके सामने दिख रहा है बहुत सुंदर, ज़बरदस्त 7237 नंदी, जिसने दूध की नदियाँ बहा दी। जी हाँ बिल्कुल दूध की नदियाँ बहाई, यह कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इसकी जनरेशन, इसके जो बच्चे हुए और इसके जो नंदी तैयार हुए, उन नंदी ने आज पूरे भारतवर्ष में थार पारकर को एक अलग पहचान और अलग मुकाम दिया है। इस नंदी को आप सामने देख सकते हैं, अब तो बहुत उम्र हो चुकी है इसकी, पर इसकी जो मतवाली चाल है, इसका जो रूप है, इसका जो गलकंबल है और जो सुंदरता है, इसका मुकाबला किसी से भी नहीं कर सकते। ऐसे सुंदर नंदी के कारण ही CCBF जैसा यह केंद्र सफल हुआ है। नंदी ही एक फार्म का, एक स्थान का, जो डेयरी फार्म है उसका नाम भी बनाता है, उसको एक नया रूप भी देता है। आने वाले समय के लिए अच्छे नंदी इस संवर्धन केंद्र पर सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, जो कि भारत सरकार का फार्म है, यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और जगह जगह नंदी भेजे जा रहे हैं। ये जो दूर दूर तक आपको सुंदर गोमाताएँ दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कार्य हुआ है। और आज जिस तरह से 283,000 रुपये में इस बार इस गोमाता को यहाँ से एक दी गई, तो थार पारकर नस्ल को एक वैल्यू मिली है यहाँ पे। अच्छे नंदी भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं और किसानों को उपलब्ध किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, और अच्छी गोमाताएँ भी समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो ऐसे संवर्धन केंद्रों के माध्यम से ही, सभी नस्लों के ऐसे संवर्धन केंद्र होने चाहिए, तभी देशी गोमाता को बचाया जा सकता है। आप जब जोधपुर से गंगानगर की तरफ जाते हैं तो बीकानेर से आगे निकलते ही सूरतगढ़ एक शहर आता है, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर यह केंद्र है। जब भी मौका मिले, जब भी संभव हो उस तरफ जाने का मौका मिले, तो इन गोमाताओं के दर्शन अवश्य कीजिएगा। एक बार आपको अद्भुत अनुभूति अवश्य होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपके समर्थन के कारण डेयरी एग्री कंसल्टेंट आज इस मुकाम तक पहुँचा है। आपका सहयोग सदा बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय गोमाता।